मैं YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ से हम सब भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आप लोगों के कहने पर एक बहुत स्पेशल वीडियो जो कि है Q&A वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग कहीं आप लोगों से हमारे मिस ना हो जाए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग रहते हैं यहाँ सऊदी अरेबिया में, या जिसको हम लोग कहते हैं KSAV। सो मैं आप लोगों के साथ अपनी सऊदी अरेबिया का लाइफस्टाइल आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और शायद मेरी वीडियो देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते होंगे जो कि आउटसाइड द किंगडम यानी कि आउटसाइड सऊदी अरेबिया रहते हैं और उनका प्लान है कि यहाँ सऊदी अरेबिया में सेटल हो सके। तो हमारी वीडियो देख के वो कुछ लर्न कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं कि वो यहाँ पे आके किस तरीके से सेट हो सकते हैं, अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर सकते हैं यहाँ, बच्चों की स्कूलिंग कैसी है और आपका लाइफस्टाइल यहाँ पे कैसा होता है। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की Q&A वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। लेट्स स्टार्ट। पहले तो आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा वाला थैंक यू कि आप सब ने मेरी उमरा वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया है और आगे भी आप लोग मेरी सारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए, मेरी वीडियोज़ को वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। इससे पहले एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट लूँगी जो कि आप लोगों ने उमरा वीडियो पर मुझसे इतने ज्यादा क्वेश्चंस किए वहां पे। वो ये है कि जब मैं उमरा करने गई थी तो मेरा क्या सारा फोकस मोबाइल पर था, व्लॉगिंग पर था। सो गाइस देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो यूट्यूब पर आज अभी इतने सारे यूट्यूबर्स हैं और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये एक कुछ 100 में से कुछ 10% लोग होंगे जो कि एज अ फन यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब, ठीक है। और कुछ लोग हैं जिनका ये सोर्स ऑफ इनकम है और उन्होंने यहाँ पे इनका वर्क प्लेस है ये। सो वो यहाँ पे इसके लिए बहुत सारी व्लॉगिंग करने के लिए वो लोग डिफरेंट सिटीज़ को भी एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, बहुत कुछ करते हैं यूट्यूब के लिए। लेकिन अब आप देख लें कि अब हम लोग करने गए उमरा करने गए हैं। सो जो मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस जो थी वो ये थी कि मैंने सबसे पहले अपने रब से दुआ करनी है वहां जाके और अपने रब की इबादत करनी है। सो बिल्कुल मैंने भी गाइस ऐसा ही किया, मैंने इस चीज को पहले प्रेफरेंस नहीं दिया। बेशक ये वर्क प्लेस है लेकिन मैंने अपनी व्लॉगिंग को साइड पर रखा था, पहले मैंने अपनी इबादत की है उसके बाद मैंने सारी शूट की है। सबसे पहले इबादत को फोकस किया था और उसके बाद अपने मोबाइल को मैंने निकाला था। और किस तरीके से मैंने वीडियो शूट की थी, जिस टाइम मैंने अपना तवाफ मुकम्मल कर लिया था उस टाइम मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया था जिस टाइम मैं जा रही थी उमरा के लिए सही करने के लिए। सो उस दौरान मैंने सिर्फ एक रिकॉर्ड किया था। उसके बाद फिर मैंने जब उमरा में सही अदा कर ली, जब सही के 7 चक्कर मैंने मुकम्मल कर लिए, तो 7वां चक्कर अगर आप लोगों को मालूम है, अगर नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ कि 7वां चक्कर आप लोगों का ख़त्म होता है मरवा पे जाके, जो कि फिर वहाँ से हम जब वापस आ रहे थे तो मैंने उस दौरान एक रिकॉर्ड कर लिया था जब मैं चलते हुए आ रही थी और मुँह पर जिक्र था दुरूद पाक का, तो मैंने वो पढ़ते पढ़ते मैंने कहा चलो मैं एक छोटा सा रिकॉर्ड कर ली। दैट्स इट। मैंने इसके अलावा आप लोग मेरी वीडियो पर देख सकते हैं और कोई शूट नहीं था। और बाकी जो आम मैं नवाफिल अदा करी थी उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इस टाइम मैंने ये नफल अदा किए हैं, इस टाइम ये नफल अदा किए, इस टाइम मैंने नमाज पढ़ी है। दैट्स इट। और सॉरी टू से कुछ नेगेटिव लोगों के लिए ये मैं कहना चाहूंगी, टाइम किसी की वीडियो ग्रो कर रही होती है तो कुछ नेगेटिव थिंकिंग के लोग जो होते हैं ना वो आके आपको पिन पॉइंट करते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं उस वीडियो के कॉमेंट में, नेगेटिव कॉमेंट्स करते हैं। सो हम लोग खुशी खुशी इग्नोर कर देते होते हैं, इट्स ओके। अल्लाह पाक हम लोग को भी तरक्की दे और आप लोग को भी तरक्की दे मजीद। तो चलिए अब अपने फर्दर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो कि आप लोगों ने मुझसे इतने ज़्यादा किए हैं, सो उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास आया है कि आप कहाँ से हैं। सो वेल मैं रहती हूँ सऊदी अरेबिया में और जद्दा में रहती हूँ यहाँ पे, लेकिन बेसिकली हम लोग हैं पाकिस्तान लाहौर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सऊदी अरेबिया में क्या जॉब्स हैं अवेलेबल ड्राइवर की या वगैरह, और आपके घर का रेंट क्या है। सो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे जॉब्स हैं, अब हम लोग को ही ले ले रहे, हम लोग अपनी बेटी के लिए ड्राइवर ढूंढ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर होते तो शायद हम आपको हायर कर लेते। सो जी बिल्कुल यहाँ माशाल्लाह यहाँ पे जॉब्स भी बहुत अच्छी हैं और अगर आप थोड़ी सी सर्च करने में मेहनत करें तो आपको ज़रूर मिल जाती है।
और घर का रेंट, हम लोग का जो घर का रेंट था 14,000 है, और लेकिन आजकल हमें इस घर में हो गए हैं तकरीबन 3 साल, लेकिन अब जो रेंट है आजकल मार्केट में रेंट बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हुए हैं, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे डिमोलिश कर रहे हैं बहुत सारे एरियाज़ को, तो उसकी वजह से जिधर जिधर घर लोग ढूंढना चाह रहे हैं तो उन्होंने वहाँ के रेंट्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ा दिए हुए हैं। सो हमारे घर का रेंट 14,000 है यहाँ पर। क्वेश्चन है, वहाँ यानी कि सऊदी अरेबिया में अगर फैमिली सेटल करनी हो तो मैक्सिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए? सो जी, यहाँ पर आपके बच्चों के लिहाज से डिपेंड करता है, आप कितने फैमिली मेम्बर यहाँ पर रह रहे हैं उसके लिहाज से डिपेंड करता है। सो इसका मैं ऐसा कोई आंसर नहीं दे सकती, लेकिन यस मैं आपको बैठ से पूछ के बता देती हूँ। अभी आप बताएं जरा इसमें कि कितना हो सकता है। ये है कि अगर आपकी मोर देन 10,000 है तो इंशाल्लाह सरवाइव कर लेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माशाल्लाह आपके हबी की जॉब क्या है, सैलरी क्या है? सो अभी आप इसका आंसर दे दो, आपकी जॉब क्या है और आपकी सैलरी भी, आज शायद मुझे भी पता चल जाए। नहीं, वो कहते हैं कि औरत की उम्र और मर्द की सैलरी कभी नहीं पूछो, तो उस पे आपको जब भी वो बोलेंगे झूठी बोलेंगे। अपना तो, आप जॉब बता दें क्या? जॉब मैं सिविल इंजीनियर हूँ और एक अमेरिकन कंपनी है उसके अंदर मैं PMC है, उसमें मैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और सैलरी? सैलरी जो है जैसे मैंने बताया कि हाँ ये है कि डबल फिगर में अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें जो है बाकी जो भी हो आप गेस कर सकते हैं आप खुद ही। अल्लाह पाक जितना भी दे, बस अल्लाह पाक रिस्क के हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और आपकी कमाई में बरकत दे। आमीन सुम्मा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान में मैं लाहौर से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये पूछना था आप अपना चैनल मोनेटाइज करने का प्रोसेस बताइए, और बैंक अकाउंट हस्बैंड का दे सकते हैं या यूट्यूबर का ही अकाउंट होना ज़रूरी है? थैंक्स, रिप्लाई दीजिएगा, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ। वालेकुम सलाम, और थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोज़ को वॉच करती हैं, लाइक करती हैं। सो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि चैनल मोनेटाइज मैंने कैसे कराया। सो चैनल मोनेटाइज करने के पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, सो इंशाल्लाह मैं आपको सारी ग्रोइंग टिप्स जो हैं चैनल की, और इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं और किस तरह मोनेटाइज करवा सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि हस्बैंड का ही अकाउंट देना ज़रूरी है या फिर यूट्यूबर का खुद का अकाउंट होना ज़रूरी है? सो नहीं, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूबर का ही अकाउंट हो या हस्बैंड का ही अकाउंट हो, अगर आपके भाई हैं, भाई का अकाउंट है, भाई का भी दे सकते हैं, मतलब आप किसी भी रिलेटिव का अकाउंट दे सकते हैं, कोई इसमें नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने सिर्फ अपना ही अकाउंट देना, तो आप किसी के नाम पर भी खुलवा सकते हैं अपना एडसेंस में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आप मक्का में रहती हैं? नहीं नहीं, मैं मक्का में नहीं रहती, मैं रहती हूँ जद्दा में, सऊदी अरेबिया जद्दा में रहती हूँ मैं, और जब से शादी हुई है मैं जद्दा में ही आई हूँ। यस, मेरे हस्बैंड शादी से पहले मक्का में रहकर आए हैं तकरीबन 1.5 से 2 साल, सो मैं जब से आई हूँ सो मैं जद्दा में ही आई हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो आप अवाम के लिए क्या करेंगी? इस क्वेश्चन का आंसर जिसने ये मुझसे पूछा है, तो वो अगर मुझे दे दे इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप क्या क्या चाहती हैं, मैं आपके लिए क्या क्या करूं, मैं इंशाल्लाह वो सब आपके लिए कर दूंगी। सो वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, आपने चैनल कैसे ग्रो किया डियर? सो वही बात है कि मैं इंशाल्लाह आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल ग्रो करने की, कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये 2 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स भी। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक ब्लॉग लेकर आते हैं मैं और मेरे हस्बैंड इकट्ठे, सो वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे, शायद आप लोगों को वो देख के सो आप लोगों को कुछ उससे मोटिवेशन मिल सके और आपका चैनल भी इंशाल्लाह ग्रो कर जाएगा। अच्छा,
एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम जब उमरा के लिए गए थे तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने इसमें कमेंट किए हुए थे कि आप ही प्लीज हमें ये बताएं कि उमरा का प्रोसेस क्या है और पाकिस्तान से कितने पैसे लग सकते हैं उमरा के लिए, और क्वारंटाइन के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा था, एंड सबसे मेन थिंग उन्होंने पूछा था कि बच्चों के साथ आपने कैसे उमरा परफॉर्म किया। मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग गए थे अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ। एक टाइम पे जो मर्द हाजरात थे वो लोग चले गए थे उमरा करने, और होटल में वो हम लोग ने बच्चों को संभाला हुआ था। फिर सेकंड टाइम में हम औरतें जो थी वो गई थी उमरा अदा करने, और बच्चे जो थे मर्दों के पास थे। ये एक क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। और दूसरा ये कि हम लोग पाकिस्तान से नहीं, हम लोग जद्दा से ही मक्का गए थे उमरा करने के, तो यहाँ से कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है, बस वही खाने का एक्सपेंस है या फिर होटल में रहने का आपका एक्सपेंस है, और कोई एक्सपेंस नहीं है। यस, आपने तवक्कलना से परमिट जरूर लेना होता है उमरा के लिए, अदरवाइज आपको वो एंटर नहीं होने देंगे। जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है, वो आप लोगों को कोई एजेंट ही अच्छे से गाइड कर सकता है, सो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। नो, अभी आजकल आई थिंक उसकी कॉस्ट बढ़ गई होगी। पहले तो ये था कि 1 लाख के अंदर अंदर उमरा हो जाता था, 15 दिन का 20 दिन का पैकेज, लेकिन आजकल यूँ है कि वो ये जो क्वारंटाइन पैकेज शुरू हुआ है तो डेफिनेटली इसकी भी कॉस्ट है, और इसके अलावा जो एयर टिकट्स हैं वो भी बहुत महंगी हैं। और आई थिंक सो कि आपका जो है ना अभी मिनिमम 2 लाख तक क्वारंटाइन पैकेज के समेत, तो वो 2 लाख तक जो है ना उमरा का पैकेज बनेगा 15 से 20 दिन का। तो क्योंकि यहाँ पर 5 दिन जो भी आए हैं दूसरे मुल्क से उन्होंने क्वारंटाइन करना होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा एक्सपेंस बन जाता है। तो 1.5 से 2 लाख में आई थिंक सो, मुझे आइडिया कन्फर्म नहीं है क्योंकि रिसेंटली अभी कोई भी नहीं आया है, तो उमरा के लिए आपको 1.5 से 2 लाख तकरीबन एक्सपेंस हो जाएगा आपका। तो ये था हमारा आज का छोटा सा Q&A व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगे तो आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है। अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट किसी बहुत ही एंटरटेनिंग फैमिली व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।